जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां पर कभी भी कुछ भी घट सकता है। और कल हमने ठीक ऐसा ही देखा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में, जहां पर करीब आधे से ज़्यादा मैच तक ऐसा ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आसानी से हार जाएगी और वो सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगी। लेकिन मैच का नतीजा हर किसी के लिए दंग कर देने वाला था जब न्यूजीलैंड पहुंची फाइनल में। पहले बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड की टीम की शुरुआत उतनी खास नहीं रही, उन्होंने अपने सलामी बल्लेबाज को बेहद कम ही स्कोर पर गवा दिया। जेसन रॉय टीम से नहीं जुड़े थे, ये भी एक अलग बात थी। अब मोइन अली ने डेविड मिलान के साथ एक अच्छी साझेदारी की, जहां से टीम को निर्धारित 20 ओवर में 166 रनों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। बता दें कि मोइन अली ने सबसे ज्यादा 51 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सऊदी सोडी मिलने ने और निशम ने एक एक विकेट चटकाए। पारी का पीछा करने आई न्यूजीलैंड की टीम, जिनको 167 चेस करने थे, उनके दो एक्सपीरियंस बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और कैन विलियमसन का विकेट शुरुआती ओवर में ही गवा बैठी। टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद मिचेल और कॉनवे ने टीम के लिए बेहद ही अच्छी साझेदारी की और टीम को मैच में वापस ला लिए। मगर लियाम लिविंगस्टन ने अपने दो लगातार ओवर में पहले कॉनवे और फिर फिलिप्स को विकेट लेकर मैच फिर एक बार इंग्लैंड को बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड को आखिरी चार ओवर में जीत के लिए 57 रन चाहिए थे, यानी 24 गेंदों में 57 रन, और क्रीज पर जिमी निशम और मिचेल मौजूद थे। और ये वही समय था जब अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहां पर 17वां ओवर डालने के लिए आए क्रिस जॉर्डन, उनकी पहली गेंद पर जिमी निशम ने छक्का जड़ के अपनी इंटेंशन साफ कर दी कि यहां से रन बरसने वाले हैं। उसके बाद फिर एक बार तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 23 रन बना लिए। आपको बता दें, इस ओवर के बाद न्यूजीलैंड को जीत के लिए तीन ओवर में बस 34 रन की आवश्यकता थी, यानी 10-11 रन प्रति ओवर जो आसानी से बन जाते हैं T20 में, उन्होंने दो ओवर में ही बना दिए 34 रन और मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ न्यूजीलैंड इस T20 वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट टीम बन गई। दोस्तों बात करें साथी खिलाड़ी मिचेल की, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली जो मार्टिन गप्टिल के साथ ओपनिंग करते हैं डैरिल मिचेल ने। पहला इनका T20 इंटरनेशनल अर्धशतकीय पारी आई, तो दूसरी तरफ जिमी निशम ने भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के दम पर न्यूजीलैंड को मैच जिताने में बड़ी भूमिका अदा करी। तो न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर जीती थी और 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में कदम रख दिया है। ये टीम तबाही मचा रही है, साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रही है, कोई भी परख नहीं पाता इनकी बारी की, इनकी रणनीतियों को, लेकिन इनका एक अपना ही पैतरा बन चुका है। देखते हैं दोस्तों फाइनल में इनका सामना कौन करेगा, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, या कौन सी टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है? कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर से पहले यह मुकाबला जीत लिया, तो आखिरी ओवर का तो रोमांच बसता ही नहीं है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।